आज के समय में हर व्यक्ति को अपना खर्च उठाने के लिए काम करना पड़ता है, पर जो लोग दिव्यांग हैं उन लोगों को सरकार अपनी तरफ से कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, और जब ये सुविधाएं दिव्यांगों तक सही तरीके से नहीं पहुंचती है तो दिव्यांग अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो सरकार उनकी मांगों को ध्यान में रखती है। ऐसा ही नज़ारा एक बार फिर देखने को मिला जहाँ दिव्यांग विधवा सेवा समिति के माध्यम से दिव्यांगों ने आज अपनी आवाज़ उठाई कि भारत देश के सभी राज्यों में दिव्यांग पेंशन एक समान की जाए। हर राज्य में अलग अलग पेंशन लागू है, किसी राज्य में 1000 तो किसी राज्य में 800 तो कहीं 700, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। इस आवाज़ को दिव्यांगों ने दिल्ली के जंतर मंतर से उठाया और कहा सरकार उनके लिए कुछ नहीं करती है तो कम से कम भीख मांगने का परमिशन उपलब्ध कराए। हमें इसलिए आना पड़ा क्योंकि ये जो गूंगी बहरी सरकारें हैं, जो इनके जो प्रतिनिधि बैठे हैं प्रदेशों में, वो विकलांगों के साथ शोषण कर रहे हैं, और हम पीएमओ के माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। जो प्रधानमंत्री महोदय हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि 1 रुपये से 5 लाख रुपए तक का जो विकलांग के पास ऋण है वो ऋण माफ़ किया जाए, और जो है रोजगार हेतु 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाए, या 5000 रुपये महीना पेंशन या गुजारा भत्ता 10000 रुपये महीना। मेरा तो सीधा सीधा है, या तो आत्महत्या या भीख मांगो, भीख मांगने का लाइसेंस दे दो। बस नहीं मिला। मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से, जैसे हमारे देश में क्या है, कानून एक है, संविधान एक है, तो उन्होंने क्या कर रखा है कि दिल्ली में 2500 जो दिव्यांग पेंशन है वो 2500 आते हैं, यूपी में 1000 रुपये है, बिहार में 400 है, झारखंड में 300 है, और छत्तीसगढ़ में 350 है, राजस्थान में 750 है, पंजाब में 1000 है, और आपका हिमाचल में 1500 है, उत्तराखंड में जो है वो 1200 है। इसी तरह से इन्होंने अलग अलग बांट रखी है। तो जब हमारे यहाँ पे संविधान एक है तो एक जैसी पेंशन होना चाहिए पूरे देश में। और जो हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, चुनाव में क्या करते हैं, ये कि दिव्यांगजनों के लिए एक सीट रिजर्व होनी चाहिए ताकि वो अपना प्रतिनिधि खुद चुन सकें। सरकार से हमारी मांग है कि पिछले कई सालों से, जब से दिव्यांगता का जन्म हुआ इस देश में, तब से लेकर और आज तक जो है दिव्यांगों का सिर्फ शोषण हुआ है। और हमारी मांगें आज की इस प्रकार है कि जो पूरे देश में दिव्यांग लोगों की पेंशन अलग अलग है, कहीं पर 1000 रुपया है, कहीं पर 2500 रुपये है, कहीं पर 600 रुपये है, और कुछ जगह पर अभी ये भी है कि 300 रुपये भी है कुछ जगहों पर। तो सरकार से हमारी मांगें ये है कि इन पेंशनों को एक जैसा एक रूप दिया जाए, और इनकी राशि हमारी तरफ से 5000 रुपये महीना मुकर्रर किए जाए, क्योंकि 1000 रुपये में अब काम नहीं चलता, महंगाई का काम है, और महंगाई में इस 1000 रुपये में अब घर चलाना विकलांग के लिए मुश्किल है, क्योंकि स्तर पे महंगाई दर महंगाई बढ़ती जा रही है और आम आदमी की जेब पूरी ढीली हो चुकी है। उस स्तर पर एक देश, एक जब देश के अंदर एक संविधान है और देश पूरा संविधान से चलता है, फिर तो कानून या एमएस जो हमारी पेंशन है उसको क्यों एक नहीं, कहीं पे 1000 है, जैसे अभी अलीम जी बता रहे थे, कभी कहीं 1000 है, कहीं 700 है, कहीं 200 है, कहीं 2000 है, कहीं 1500 है, अगर हो तो एक 5000 क्यों नहीं, पूरे देश के अंदर पेंशन लागू करे सरकार। भारत सरकार से हमारी मांग है कि 5000 पेंशन लागू करे, प्रधानमंत्री आवास योजना के दौरान उनको आवास दिए जाएं दिव्यांगों को, जो दिव्यांगों की सरकारी नौकरियों में जो उनकी सीटें हैं उनको, आरक्षित जो सीटें हैं उनको भरा जाए और दिव्यांगों को राहत दी जाए, क्योंकि बहुत जरूरी है, देश के विकास में दिव्यांगों का भी बहुत बड़ा रोल है। जी।